तीसरा आदमी बेहद गरीब है। और जो सरकार और कहानियां बंगाल के कलकत्ता, लेकिन कुछ एक जो उसने उन्होंने मैथिली में कहानियां लिखी थी जो थोड़ा बहुत हिंदी में आई है, उससे एक बिहार का अंदाज मिलता है। तो मैं रविंद्र नाथ दास से शुरू करता हूँ। प्रोफेसर नंद कुमार ने थोड़ी सी बात ऐसी एल्यूड की थी जो अरविंद ने अपनी रिपब्लिक ऑफ बिहार में लिखी है। वो कहते हैं कि बिहार इज द ओनली स्टेट वेयर स्टेट हैज विदर्ड अवे, कि बिहार का समाज ऐसा है जहां कोई गवर्नेंस नहीं है। लेकिन मैंने जब बिहार का अध्यापन किया वो इसलिए किया था कि मेरे पास एक लैंड रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट था जिसमें बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। तो मैंने बिहार के जो जितना भी लैंड रिफॉर्म्स की हिस्ट्री है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर के जो मूवमेंट चली है, वो सारी जो है उस वक्त मैंने पढ़ी थी, काफी समय हो गया। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो बिहार के बारे में मैंने निष्कर्ष के तौर पे अपने दिमाग में रखी है, और वो सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि बिहार क्योंकि जिम्मेदारी सिस्टम में था और इसमें ऐसी जबरदस्त जिम्मेदारी थी कि एक बड़े जिम्मेदार को जो पता नहीं 300-400 साल से वो जिम्मेदार था उसको राजा ऑफ दरभंगा कहा जाता, महाराज राज ऑफ दरभंगा। और सबसे मजेदार ये है कि राजा दरभंगा ने वो उसके बाद और कई जिम्मेदार पैदा किए अपनी जमीन दी। एक लाल साहब होते थे जो सब देखते थे, लाल साहब ने एक किसी और को रखा था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और उस व्यक्ति का नाम भी राजा और कुर्सिला के नाम पे था। आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी कितनी जबरदस्त थी। आजादी के बाद जब जिम्मेदारी सिस्टम खत्म हुआ तो बहुत बड़े स्केल पे जैसे डिले हुआ जो सब कुछ हुआ उसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी जो टेनेंट थे खासतौर पे जो हम कहते हैं मरूसी और गैर मरूसी मजारे जिनके पर्शियन टर्म है, जो अकुपेसी टेनेंट थे जिनके हेरिटरी राइट्स थे, उनको जमीन मिल गई। उनको जमीन मिलने के बाद वो जब लैंड ऑनर हुए तो उन्होंने दो चीजें की। वो जो एक तो हिंदुस्तान के समाज में क्या है कि जाति पाति का जो सिस्टम है, जो कास्ट का सिस्टम है, उसमें पर्टिकुलर कास्ट से ही खेती करती थी और बिहार में भी कुछ ही जातें खेती करती थी जो जमीन को में खेती करती थी। उनके पास जमीन आई काफी नंबर में, सभी के पास नहीं आई क्योंकि वो जो लॉ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसे हुई थी। लेकिन उनका पावर में आने के बाद, उनकी जमीन, उनके पास जमीन आने के बाद उन्होंने जो थी जो कास्ट सॉलिडरिटी जो थी वो बढ़ानी शुरू कर दी। जो पहले जो किसान आंदोलन चले थे जिसमें सभी इकट्ठे थे, उसकी बजाय उन्होंने एक कास्ट डोमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जिसमें यादव कुर्मी खासतौर पे ऐसी कम्युनिटीज आई। एक तो मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जो कभी भी बिहार में खत्म नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम बिहार की माइग्रेंट लेबर के ऊपर बात करते हैं और ये माइग्रेंट लेबर की बात करते हैं, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ और जब बिहार के से लेबर जाने लगी। लेकिन अगर राजकमल चौधरी की कुछ कहानियों को लेकर के हम सोचें, उसके बाद अमिताभ घोष ने तो पूरी नॉवल लिख दी है लेकिन वो ईस्टर्न यूपी और भोजपुर एरिया के ऊपर जो थी वो ओपियम वाले एरिया में, ओपियम प्रोडक्शन वाले एरिया के बारे में है। लेकिन क्या है कि बिहार से पहले भी लेबर जाती थी और बिहार से लेबर जो जाती थी वो कलकत्ता जाती थी। कलकत्ता से फिर जब इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन शुरू हुई 19वीं सेंचुरी के एंड में और पर्टिकुलरली 20वीं सेंचुरी के शुरू में, तो बिहार की जो छोटा नागपुर प्लेटो था उससे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर से बिहार से माइग्रेशन जो है वो शुगर केन प्लांटेशन और रबर प्लांटेशन एरियाज में हुई। अब क्या है
कि अगर अब हम सेंसस करें, सेंसस इन्यूमरेशन करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से माइग्रेंट्स वो बिहार से है दुनिया के बाहर, लेकिन वो जो माइग्रेंट्स हैं वो वापस कभी बिहार में नहीं आए। इसके उल्ट गुजरात और पंजाब से जो माइग्रेंट बाहर गए, जो उसी वक्त जाना शुरू हो गए थे जब इंटेंशन लेबर माइग्रेशन शुरू हुई, उन्होंने वापस आकर के अपने घर को डेवलप करना शुरू किया, अपने गांव को डेवलप करना शुरू किया और आने जाने में वहां की रिमिशंस में कंट्रीब्यूशन शुरू की। बिहार से ये नहीं हुआ। बिहार में रिमिटेंसेस जो हैं वो पहली जो उनकी माइग्रेशन हुई थी वो उससे नहीं हुई, क्योंकि वो वापस ही नहीं आए। वो वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि जब पहले तो सिर्फ ऑल मेल माइग्रेशन होती थी, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आई कई तरह की तो रूल्स ये बना के दी टोटल मेल माइग्रेंट्स एक 10-15% शुड बी वेमेन, तो तब उन्होंने वहां शादी कर ली, एक साथ रहने लगे और फैमिलीज बना ली, तो उस ढंग से वो सेटल हो गए और अपना सारा जो रूट थी भूल गए। सो बिहार को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरी बात जो मुझे बिहार के बारे में लगती है कि बिहार इतनी जैसे प्रोफेसर गांधी कुमार ने कहा कि आप जरा मूवमेंट देखिए, चाहे गांधी ने अपना शुरू किया, महात्मा गांधी ने या किसी ने भी, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है, सर्वोदया है, वो कुछ है, लेकिन इसके बाद भी जो बिहार है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में नहीं हुई। मुझे ये लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल शायद झारखंड रीजन में जो माइनिंग थी जिसकी रॉयल्टी बिहार सरकार को मिलती थी, एक बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया। जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसमें जो कास्ट डायनामिक्स ऐसी हुई कि कुछ सिख जाते जो है अपने प्रोसेस में, ना सिर्फ डेवलपमेंट प्रोसेस में बल्कि जात पात के मुद्दों पर उनकी सियासत में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की वजह से वो एक ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जो दूसरी जगह इतना टेंस नहीं था। क्रिमिनल्स वाली बात जो है वो तो प्रोफेसर नंद कुमार ने बहुत बढ़िया कही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। कुछ नाम तो ऐसे हैं, जब हम उन लोगों के नाम लेते हैं जो राजनीतिज्ञ भी थे, वो सिर्फ बिहार का उदाहरण कुछ लोगों का जैसे पप्पू यादव आ जाता है। अब क्या है कि जब से झारखंड निकला वो जो सोर्स ऑफ लॉयल्टी रॉयल्टी थी वो तो खत्म हो गई। अब माइनिंग भी खत्म हो गई बहुत बड़े पैमाने पे, ट्रांसपोर्टेशन पंजाबी के हाथ में होती थी यहाँ या कुछ और लोगों के हाथ में होती थी। तो गुजरात में जो एक प्रोसेस, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस, वो पहले से ही एक स्क्यूड प्रोसेस था। इट वॉज नॉट ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच द पॉलिटिकल लीडर्स शुड हैव डिसाइडेड, द गवर्नर, द पीपल हु वर गवर्निंग should have decided about equality, and the question of equality was never addressed, despite the fact that we have large number of socialist leaders emerging from Bihar and also becoming chief ministers, but even then they never knew how to implement it. Maybe a vijayaniya sir jo hamari jo ek khas kisam ki political culture hai jisse ये सारा कुछ आ जाता है, ये प्रोसेस जो है नहीं चला। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, बिहार का जो प्रोसेस है दैट चेंजेस इन द सेंस कि बहुत बड़े पैमाने पे ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज को जो है माइग्रेशन हो रही है बिहार से माइग्रेंट लेबरर्स की, और जिनकी हो रही है वो दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी सी खेती है और वो एक ओबीसी तबके को या आप कह लीजिए यादव इस इन कास्ट जो इक्विवेलेंट कास्ट हैं वहां से आ रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं जो अनटचेबल कास्ट से, ट्राइबल से, वो दूसरे स्टेट्स को जा रहे हैं, तो वहां से जा करके वो काम करते हैं। और ये क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो एरिया ऑफ सब्सम्पशन ऑफ लेबर इंडिया में डेवलप हुआ, उसकी एक करैक्टरिस्टिक ये थी कि शुरू में ये ऑल मेल माइग्रेशन थी जिसने अपनी प्रॉब्लम खड़ी की, जिसमें राजकमल चौधरी ने पिछली बार वाले माइग्रेशन के बारे में भी औरतों की प्रॉब्लम्स लिखी हैं।
इस बार क्या हुआ कि ये दो वेव्स में आती थी। एक वेव आता था जो गेहूं को काटने के वक्त आता था पंजाब में, और उसके बाद वो कुछ समय रहता था और धान की जो थी ट्रांसप्लांटेशन करके वो वापस चला जाता। दूसरा जो था वो लेट आता था, जब धान को काटना होता था उस वक्त आता था, एक गैप होता था, वो अपने चले जाते थे। तो ये हमेशा ही कंटिन्यू रहा, इन द सेंस दैट ये पैटर्न रहा। लेकिन इस बीच काफी जो बिहार के लिबरल्स थे वो आकर के पंजाब जैसे जगह पे रेगुलरली रहने लगे। कुछ ने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, कुछ ने अपना काम और शुरू कर दिया, जैसे पान की दुकानों में बिहारी और उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट लिबरल्स बहुत थे, उन्होंने अपने घर बना लिए, अपने परिवार ले आए, यहाँ रहने लगे, यहाँ और कई जगह रहने लगे। ये एक प्रोसेस हुआ। बट सबसे जो मजेदार प्रोसेस है वो ये है कि देयर वाज ए साइमल्टेनियस डिक्लाइन इन इट्स इंस्टीट्यूशंस। और सबसे पहले जो डिक्लाइन हुआ, जिसको कि हम इंडिकेटर मानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो था एजुकेशन में। अब क्या हुआ कि जब एजुकेशन का डेवलपमेंट डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो जितने भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी, उन्होंने अपने बच्चों को बिहार के बाहर भेजना शुरू कर दिया। ये हमने एक बड़ी मजेदार चीज देखी है कि जब जब जो लोकल एलीट है वो अपने बच्चों को लोकली नहीं एजुकेशन दिलवाता, वो अपने बच्चों को अपनी स्टेट से बाहर भेज देता है बोर्डिंग स्कूल्स में, जो लोकल जो स्कूल्स होते हैं उनमें ट्रिमेंडस डिक्लाइन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कम से कम जो लोकल एलीट होते हैं उनका एक ऑब्जर्वेशन का, कंट्रोल का, रेगुलेशन का एक कल्चर रहता है। वो स्कूल जाते रहते हैं, वो सारा प्रोसेस जो है, जब उनके बच्चे नहीं जाते तो वो खत्म हो जाता है। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है एजुकेशन। बाकी चीजें जो है वो तो नहीं है। अब क्या है कि हम एक खास किस्म की सरमाएदारी कैपिटलिज्म में डेवलप कर रहे हैं। कैपिटलिज्म जो है वो कम्युनिटीज को ब्रेक करता है, वो वर्किंग क्लास को इंडिविजुअलाइज करता है, वो उनको कम्युनिटीज नहीं रहने देता। क्योंकि वो अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी कैपिटलिज्म में मर्ज होती हैं तो वो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से होती है। जैसे हम सभी टारगेट पार्सल्स को पढ़ते हैं, टारगेट पार्सल्स ने एक दो ही आर्टिकल अमेरिका की फैमिली के ऊपर लिखे। टारगेट पार्सल्स कहता है जो अमेरिकन फैमिली है वो अब ऐसे बन गई है विच इज वेरी सूटेबल टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आप न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं तो आप टेक्सास में चले जाते हैं तो वहां आपको नौकरी मिल जाती है तो आप वहां सेटल हो जाते हैं। लेकिन टेक्सास में जितनी सोशल कैपिटल वाली एसोसिएशंस हैं वो वही है जो आपको न्यूयॉर्क में थी, उसी ढंग की आप उन्हीं में ज्वाइन कर सकते हैं, वो क्लब्स हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान में क्या है कि ये वाला जो डेवलपमेंट प्रोसेस है कैपिटलिज्म ने नहीं तोड़ा। हुआ क्या कि जब लोग दूसरी जगह जाने लगे तो एक और किस्म की सियासत जो थी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो फुली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम थे, सोसाइटीज थी या एरियाज थे इंडिया में, वो भी वहीं भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स शुरू। और एक वक्त में क्योंकि वर्कर्स को ये सोचना शुरू किया कि ये एक वोट बैंक भी हो सकते हैं, तो इसलिए इस ऐसी चीजों की इनकरेजमेंट बहुत मिली। आउटसाइडर इनसाइड सारी हमने अभी भी देखा है कि जब ये COVID-19 के बाद जब माइग्रेंट लेबरर्स अपनी स्टेट्स को आना शुरू हुए तो रास्ते में जो स्टेट्स पड़ती थी उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह उनको ट्रीट किया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो इस हिसाब से क्या है कि बिहार की इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और बिहार का जो लोकल एलीट था, इसका पैरेलल हमें हिस्ट्री में बहुत कम मिलता है कि यहाँ जो लोकल एलीट है वो लोकल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और जा रहा है।
तो वहां वो है, अब देखिए हिंदुस्तान की सियासत में बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, मुझे तो पंजाब का पता है, ये हमारे बहुत लीडर हैं जो बाहर से देश पढ़े के आए हैं, उनसे इंडिविजुअली बात करो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक स्पीच करते हैं वो गालियां निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग ये गालियां ही समझते हैं। अब ये जो कल्चर डेवलप हुआ है हमें कि हम जोराथास्ट्रा की तरह ऊपर से आएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम आ गए हैं आपको बचाने के। हमारे भारतीय परंपरा में भी अवतार आता है जो बचाता है, प्रॉफिट आता है, सब वो सारा जो सभ्याचार है उसी हिसाब से ये जो लीडर है ये खुद को परसीव करते हैं, समझते हैं, उस ढंग से लोगों को बता देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं। अब सबसे जो राजनीति है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी जो कंटेम्परेरी नॉलेज है बिहार के बारे में वो नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमको बहुत सीरियसली ये सोचना चाहिए कि गांधी के स्वराज का क्या विचार था, उसकी क्या राष्ट्रीयता थी, क्या फिलॉसफी थी। एक तो पहली बात ये है, दूसरा ये है कि इस वक्त हिस्टोरिकली इस मुल्क में हमने स्वराज को छोड़ा, सर्वोदय छोड़ा और हमने विकास लिया। अब ये जो विकास लिया हमने, उसमें हमने कोई ऐसा कल्चर नहीं डेवलप किया, हमने कहा कि हम अगर ये टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उससे विकास हो जाएगा, आईटी आ गया तो विकास हो जाएगा, सारा हिंदुस्तान जो है कंप्यूटर जो है उसकी इंजीनियरिंग सीखने लग गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन हमने स्वराज की बात करनी छोड़ दी। अब जो चीज बिहार से कुछ चीजें जो शुरू हुई हैं, जो नेशनल स्ट्रगल से निकली हैं, जिन लोगों को इस सारे देश का देश की समझ थी, गांधी, जयप्रकाश नारायण, ऑल दीज पीपल हु अंडरस्टूड इंडिया, दैट हैविंग इंडिया टुगेदर, टेकिंग एवरीबॉडी टुगेदर, इट हैज समथिंग टू डू विद व्हाट वी कॉल इट स्वराज। वन मे फाइंड मिलियंस ऑफ पार्ट्स, let me say millions, I am not using tens of, with the idea of Swaraj. But can we say that the kind of development through which we have gone through is justified by negating Swaraj? This is something which we have to take very seriously. Now, Professor Nandakumar was absolutely right that the destiny of Bihar cannot be separated from the destiny of India. Now, we look at this present crisis of migrant labor, only Pushpendra pointed out, but I was already working on that, that why is it that when lockdown was declared, why the migrant labor was not told if you want to go back, go. Some attempt was made from Bombay, but that was very different. How come that the Indian state, which has leader who seem to be knowing everything, they did not know that the capacity of this particular government and the state governments to feed these people who are unemployed, who don't have any money to buy food, they cannot feed it more than a month. If you look at the, you know, why they were not aware of it, I think they were wise enough to know that they cannot be fed indefinitely. But the problem which they anticipated was not of their hunger and misery. Was I know that many people who wanted to die, they came back to their hometown and they said we would like to die there. This perception was different. The reason was that they were awfully aware that if these migrant laborers go back to their homes, then what would happen to the industry when lockdown would be unlocked? No, this is something which they were worried, and nobody was worried about what would happen to these people, how it will be taken. So which again means that if we want to understand this kind of economic logic, which, you know, which is called instrumental rationality, about which Horkheimer and Adorno, when they talked about electrics of enlightenment, they said that
this instrument of rationality created gas chambers by in Nazi Germany. Now, we are more worried about the generation of capital, and we were less worried about humans who were suffering. Some places made it sure that this doesn't happen. Kerala tried it, Punjab tried it, but Punjab only rural area tried it, not the urban industries. Now, this again shows that how this whole understanding that this migration process which occurred, that how it was perceived and how it was understood. Now, these migrant laborers come back to their homeland. Now, they are not perceived as the return of the native. They are understood as somebody who had a threat to their existence because they might be carrying infection. So they are forced to live outside. The state is doing a little bit, but the local people are doing it. And then they are also putting pressure to the already, depleting government resources, that how to carry out MGNREGA work and all that, because they have come. Very few tried some enterprising things, otherwise this is all this thing. Now suddenly, when you look at this particular health crisis about which India had been the most non-serious, Indian state was the most non-serious about health. You know, when you destroy your education, you also destroy the health, because doctors come from education. And so what happens is that there is a kind of a state, there is a kind of a situation where the people who are coming outside are seen as threat to the existence. That is the Manichaean word about which Hanno talks about existence. And you say that, okay, I will kill you otherwise. So we transformed our society, a society in which we became enemies of our own people. Now, this is what Vikas has done to us. Why we forgot Swaraj? Why we forgot Sarvodaya? Why we did not understand that some of the major leaders of this country, they first talked about people. Sir talked about humanity, everybody together, sharing. Now, if we create a lot of capital in India and we evaluate India in terms of how much foreign currency we have, it does not mean that we have a good human development index. It does not mean. You look at Punjab, Punjab's state is very, very fiscally poor, but the people of Punjab are very well off. Now, what is happening in Punjab? This government, the Punjab state, has almost destroyed its educational institution. The young people, they have resources because the people are rich. They are leaving the country and going and studying abroad and settling there. They are saying goodbye. Ultimately, the loss would be to Punjab, as it happened, as is happening in the case of Bihar. How many Biharis getting education from Jawaharlal Nehru University, from Hyderabad University, from other universities, they are coming back to Bihar. They say that we want to do something about it. It is not happening. When the people are leaving, they are leaving their state without such kind of a resource. Now, there are also compulsions of employment patterns in India, because India is such. But thinking that, oh, a particular society. But something which Bihar has kept highly intact, as a recent article by Gaurang Sahai indicates on Mushahars, that the caste system is intact. The kind of mobilization which took place of Yadavs also, and then some other caste communities, also led to Bhumihars, and then caste wars started. Mention has been made about Maoism in Bihar, the birth of what we call it Communist Party of India, Marxist-Leninist, the second birth, that is in 2005. It took place from Bihar, from the people who were struggling and trying to do something, and most of them are from scheduled Dalits, tribals and all that. Now, we have this particular situation in which Bihar,
despite its tremendous human resource, despite its tremendous land resources, have been unable to control floods. And at one time, they always said that there are three crops in Bihar. One is Rabi, the second is Kharif, and third is relief. Now, for that society, we talk about a lot of things have happened, a lot of change has taken place. But behind that particular change which has taken place in Bihar, the coexistence of poverty, hunger, suffering is simultaneously there. And we cannot just blame that only state is doing it. But the question is that what the people are doing it. And how the people would do it. Perhaps education is the way. Bihar is caught in a situation in which whatever you introduce, whatever you do, the development indicators which economists have developed there in their own ways, they are not working. So it means that we have to look back. As a sociologist, I would say that we have to look back at our own society and the way inequalities have been constructed in our society, in which caste still dominates, caste class correspondence is still there, and many of the things which are happening. Maybe Bihar is not the only state where those things are happening, but in Bihar they are more pronounced. And its regional variations are tremendous. Maithili area is different, Bhojpuri area is different. Then you have this West Champaran area where you have a different kind of thing. At one place you have Dacoits, bandits, another place you have this culture of tremendous zimidari, and another place where a lot of radicalism is taking place and simultaneity with caste conflict. It is expected, and that all these things would have been overcome by now, but it has not been. I would say that for the sociologist of Bihar, it is important. There are so many of them. There are so many good sociologists working in different parts of India who study Bihar. One of the major functions is to address some of these questions, that why Bihar is where it has been and it is. At the end, I thank Professor Mohammad Akram and all the governing members of the Bihar Sociological Society are giving me this opportunity to talk. I don't know how much relevant I was. Thank you very much. Thank you very much, sir. Very relevant you were, very relevant you are, and very relevant you will remain. I deliberately didn't introduce your background. Basically, you are an expert of political sociology. You are interested in social movements. And from your deliberations, it's very clear that the way you have situated Bihar in contemporary politics, in contemporary social system, this is wonderful, sir. So we are so thankful for having this wonderful speech from the chief guest of the occasion, Professor Paramjit Singh Jaj sir, who is from Guru Nanak Dev University, Punjab, and who is also the president of Indian Sociological Society. I mean, काफी enlightening था आपका ये speech. आपने बिहार को एक बिल्कुल नए सिरे से देखने की जरूरत है. जो पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, जो विमर्श बन रहा है, आपने उन्हें हमें दर्शाया, आपने उन्हें हमें बताया. और जो बात प्रोफेसर आनंद कुमार सर ने शुरुआत में कही थी, मैं उसे फिर से यहाँ पे दोहराना चाह रहा हूँ कि जब हम बिहार में एक सब नेशनलिज्म वाली फीलिंग को बहुत प्रोमिनेंट शक्ल में नहीं देख रहे हैं, तो ये जो पंजाब की जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को हम बिहार में बहुत अच्छे से
आत्मसात कर सकते हैं। एंड सर मुझे कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि पंजाब अपने आप में डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा मॉडल है, तो ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सचेंज नहीं है, अगर हम डेवलपमेंट नैरेटिव्स के तौर पर भी देखें तो मुझे लगता है कि यस वी नीड टू लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम पंजाब। और एकेडमिकली जो आपने हमें इनलाइटन किया है सर, उसके लिए मुझे लगता है कि BSS विल ऑलवेज रिमेन थैंकफुल टू यू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनलाइटनिंग स्पीच सर। Yes, and now it's time to go for the next speaker. मैं यहाँ पे बहुत मुझे बहुत कहने में तकलीफ हो रही है. I'm having some sort of pain that despite our efforts, we are not able to get connected with Professor M.N. Karna sir. Mahendrayan Karna sir, who is president of Bihar Sociological Society.